कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वृक्षारोपण का जो बृहद लक्ष्य रखा है 35 करोड़ वृक्ष लगाने का 15 अगस्त तक, उस अभियान के तहत आज जनपद जौनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में पूरा जनपद हर विकास खंडों में जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है। पूरी तन्मयता से जिला प्रशासन लगा हुआ है और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग बेहतर कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय मंत्री जी का इस अग्रणी ऋषि की धरती जनपद जौनपुर पे हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व में चलाया गया अभियान वृक्षारोपण का बेहद ही सफल होगा और जनपद में जो भी वृक्ष हम लगाएंगे आज यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानस के बीच हम लोग इस बात का प्रण लें, इस बात का संकल्प लें कि आज जो भी वृक्ष हम लगा रहे हैं या अब इस वृक्षारोपण अभियान के तहत 15 अगस्त तक जो पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लिया गया है, उन वृक्षों को संचयित करने का प्रयास करेंगे, बचाने का अंदर मैं स्वागत करता हूँ। और एक बात के लिए आप सभी से आश्वासन चाहूंगा कि जो वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं उस वृक्ष का संरक्षण भी करें, उस वृक्ष को बचाए भी, इस संकल्प के साथ आज हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह अभियान सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये एक बहुत बड़ा दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है और आप सब के लिए। यहीं पे रहो, अभी जाना। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से और 15 अगस्त तक जो ये बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सबको मिला और प्रदेश का हर विभाग, सरकार का हर विभाग आज इससे जुड़ा हुआ है। आज जनमानस जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ से आया हूं, वहां भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, आज जौनपुर, अभी जौनपुर में कर रहा हूं और लगभग पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में आज जो यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, मुझे आज एक खुशी है कि कम से कम प्रदेश के जनमानस ने भी अपनी पूरी सहभागिता इसमें देने का काम किया है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि पेड़ ही जीवन है। आज लगातार जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, आज कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है, अगर धरती का तापमान अगर बढ़ रहा है तो रुपये इसलिए बढ़ रहा है कि हम अपने ग्रीन बेल्ट को लगातार कम करते चले जा रहे हैं, वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। जो एक समय में दुनिया में ग्रीन बेल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, आज वही ग्रीन बेल्ट का हिस्सा धीरे 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 काफी कम हुआ और शायद यही कारण था कि चाहे जो जो आज जो सब जो दैवीय आपदाएं आती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो और तरीके की दैवीय आपदाएं हो, उन दैवीय आपदाओं में बढ़ोतरी हुई केवल ये कारण था कि हमने वृक्षों को काटा। मैं तो आज जनमानस से कहने आया हूं, केवल वृक्ष लगाना ही लक्ष्य नहीं है हमारा। वृक्ष तो हम हर वर्ष करोड़ों की संख्या में लगाते हैं, लेकिन उससे जरूरी है कि हम वृक्ष को पाले पोसे, उनको बड़ा करें, उनको हम हरा भरा, उनको और बढ़कर उनको उसकी देखभाल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। जो पेड़ लगा रहे हैं उसकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी आप लोग किसी ना किसी माध्यम से उसकी व्यवस्था करें जिससे वो पेड़ लगे और पेड़ बड़े हों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाएंगे, पूरी पूरी दमदारी से, पूरे जोरों से इस अभियान में लगेंगे और जो एक ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, इसकी सफलता, इसको सफल बनाने में आप अपना पूरा योगदान देने का काम करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज 44 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है, जिला प्रशासन ने रखा है जनपद में लगाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सभी 44 लाख पौधे लगे भी और जिंदा भी रहें, बढ़े भी
इसी उम्मीद के साथ मैं इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और अपने जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने भी आप सब ने बढ़ चढ़ कर इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कोई भी यहाँ से उठेगा नहीं, बैठा रहेगा। माननीय मंत्री जी कार्यक्रम का समापन करके यहाँ से जाएंगे, उसके बाद पौधों का वितरण बच्चों के बीच में किया जाएगा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिवस है। जौनपुर जिले में कुल 52,680 पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें से वन विभाग द्वारा 14,71,110 पौधे लगाए जा रहे हैं और अन्य 26 विभागों